शरीर में कमजोरी आ गई तई साव रहा हूं सफाई करवा रखी है। तो ये भाई एक्सीडेंट कर्मा की बात है ये तो। और बड़ी अच्छी अच्छी कलाकारनी और कलाकार आपके बीच में है। हाँ, आपका काफी देर तक बड़ा अच्छा मनोरंजन करेंगे। और रही भाई चुटकुला की बात, इनकी कोई मशीन नहीं होती ना कि तो मार्केट में मिला करते, हमारी आपसी जिंदगी के अंदर बढ़ते और घटते रहते हैं। कैसे कि आजकल बहुआ का नाम भी टेंशन के नाम तो फीड करे हैं, हो ना वा दिखा टेंशन। वो एक भाई की बहू पढ़ लिख कर दिल्ली लागी, फ्लैट मिल गया। उसने सोचा कि अपने पति को खुशखबरी दूं, फोन मिलान लागी। फोन मिलाते समय आखिरी अक्षर गलत मिल गया, 5 की जगह 6 मिल गया। और जिस द्वारा फोन मिल लिया वो अपनी बहू का दाह संस्कार कर आके बैठे था। और फोन करके बोलिया हेलो, बोला हेलो कौन? हा भाई रोए के इतने सकाचे तो भूल भी गया। तो अब ले खून बोला है, हाँ ही बात ना छोड़, कदे गोडे थोड़े पड़े रहे, ठीक ठाक पहुंच गई हूं। उन्हें सोचा मेरी सासू की नहीं तो फूका था, ठीक ठाक भी पहुंच गई। अरे बोले घबराओ मत, ने फ्लैट तैयार हो लड़ते चरना भी अपने तो रहे बुला लूंगी बोलिया। और न्यू एक भाई ट्रक चलाया करता, सूत बैठ गया, ब्याह हो गया, फेरा पे एक बार लड़का आगे होता है, एक बार लड़की भी आगे होती है। वह छोरी आगे ना और कूद का उसका आगे ना आ जा, पंडित जी बोला ना पाछे ने घेरो, वह दो डंग चल फिर कूद का आगे ना आ जा। बड़े साके वो छोरी आड़ा गया, छोरी आड़े तो रहे है बोला चौधरी साहब के जाम का घेर दिया यू ले छोरी था के ना कूदे है। बोले की गलती कौन है? क्यों ट्रक चला वाला लंबे चल है। बोले फिर बोला मैंने 14 ओवर टेक करे मैंने मन नहीं बोला यू। रंडा की जनसंख्या बद गई, एक काम और चल गया बिहार में कल्याण लाग गए। भाई कोई बात ना, घर बसना चाहिए कितने तो ले आओ, यहां तक बात ठीक है। पर मैं कहीं पर नहीं सोचा रूल लोटे लोटे भाई ये ब्याह तक रहे बिहार में खाल ना हो बातिया होंगे उनका क्यों होगा। रेल में आओगे लीले बोथे बंद बंद कर और पाटड़े पा के पीछे ना दे लू कहेंगे धान लवा लियो। एक गाल पूरी रंडे की, दो घर का ब्याह होगा, पूरी गाल का छो उठ रहा एंड जो इनका सूत क्यों कर बैठा हम के बुन आओ जो। अच्छा धन्यवाद। तो पूरी गाल का छो बन रहा, इनका सूत क्यों कर बैठा। एक तड़के तड़के जी का बत्ती छो बन रहा था, सिगरेट की घूट मारन लग रहा। बाहर गांव का आदमी आ गया, बोला बा गाल पार निकट जाएगी। बोला दो घर आगे बेबे को डरी है ना पार है लिकटा करती। बोला न्यू है खरखोते की बात, एक शराबी भाई अपना रोड भगत रहता रहा, पुलिस वाला के भी कई दिन हो गए को था ना लिया था। वो दो कॉन्स्टेबल थे ने बोला रही ने खैच लिया चल ना कुछ तो लकड़ा था, उन्हें पकड़ ले गए। SHO के साथ भी पेश कराया, SHO बोला क्यों कर लिया भाई ने? बोला जी दारू पी का रोड भगत उतार रहा था। अच्छा भाई क्या पड़ बैठ गया? बोला केस लो फाइल उठा के, केस क्या क्या पेंडिंग है? कॉन्स्टेबल लिया बोला हाँ पढ़ के सुना। बोला जी एक ATM पढ़ रखे है, लिख दो। बोले इसके एक घर में भी चोरी है जी, बोला लिख दो इसके। बोला एक कार लूट रखे लिख दो इसका, जो केस आओ बोला लिख दो इसके। कोई बात नहीं वो नु को सोचा बैठा बैठा जो सब कि मेरे ही लिखण लाग रही है। दूसरा कॉन्स्टेबल आया बाजा, बोला जनाब खुशखबरी। बोला के? बोला आपके घर में लड़का होया है शराबी पड़ा पड़ा। बोला यो भी मेरा ही लिख दो। बोला तो आइए